एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियां, इस पर हम बात करेंगे। पृथ्वी की गतियां मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियां हैं, एक है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। तो घूर्णन और परिक्रमण दो प्रकार की गतियां हैं। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इसको हम लोग कहते हैं घूर्णन, और जो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाती है इसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, 66 होल 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है। वह समतल जो पृथ्वी के कक्ष द्वारा बनाया जाता है इसे हम लोग कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के इस समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति है। इस हिसाब से देखें तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक दैनिक गति है दूसरी वार्षिक गति। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर हम काल्पनिक रेखा खींचे तो ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है और ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, अर्थात हमारी कौन सी रेखा है तो ये हमारी जो है कक्षीय समतल। अगर इसको हम एक काल्पनिक रेखा कक्षीय समतल की खींच लें तो जो कक्षीय समतल है और जो ये पृथ्वी के जो जो कक्षीय झुकाव है इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये बनता है 66.5 डिग्री का कोण। और अगर इसी कक्षीय समतल पर हम एक लंब डाल दें तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 23.5 डिग्री का। ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। अब बात कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे यहीं पे बता दिया कि यहाँ से देख लेते हैं, बाकी डिटेल भी बताया गया कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात। तो बस ये याद रखिएगा कि पृथ्वी का जो घूर्णन है इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो आपको याद रहेगा कि जो पृथ्वी का परिभ्रमण है उसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। वर्ष एक वर्ष में 365 होल 1/4 दिन में सूर्य यानी कि 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग इसे एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 4 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। फिर इसको क्या करते हैं कि हम लोग इसी तरीके से 4 वर्षों में 4×24 तो 4 वर्षों में 6 घंटे मिल करके 24 घंटे बन जाते हैं। तो अगले चौथे वर्ष में क्या करते हैं, इसको एक दिन फरवरी महीने में हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए ऋतु का परिक्रमण और ऋतुएं बताया गया, ये मुझे भी नहीं समझ आता था लेकिन इसको समझना बहुत ही सिंपल है। देखिए दिसंबर के बाद में जनवरी फरवरी और मार्च, 3 महीने आगे बढ़ जाइए तो मार्च, मार्च से 3 महीने आगे बढ़ जाएंगे तो फिर जून, जून से 3 महीने आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दिसंबर, अर्थात 3-3 महीने बढ़ना है आपको दिसंबर से, याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। 22 दिसंबर है, फिर 21 मार्च है, फिर 21 जून है, फिर 23 दिसंबर है। तो 22 है, 21 है, 21 है और 23 है। अब यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बताया गया कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी सर्दी वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, अर्थात जो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है उस गति के कारण ही क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन है उसका कारण क्या है, वो उसका कारण है पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, अर्थात पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाना। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 21 जून को सूर्य कहाँ पे होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है, इनकी किरणें सूर्य में किस रेखा पर जो है सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। यहाँ से इस मैप के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, एक बार याद कर लीजिए फिर जिंदगी भर हमेशा याद रहेगा। इस तरफ जब होता है यानी कि जब होता है 22 दिसंबर को तो मकर रेखा पर किरणें जो होती हैं वो सीधी पड़ रही होती हैं, और जब ये आ जाता है 21 जून को तो यहाँ पे क्या होता है कि कर्क रेखा पर किरणें सूर्य की सीधी पड़ती हैं। अब आगे देख लेते हैं, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर आय जो है आयनात कहते हैं, है ना। तो उसके बाद में देखें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य के चारों ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस समय क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, अर्थात मार्च वाले में और सितंबर वाले में, इधर इधर वाले के बाद चले। इसे विषु भी कहा जाता है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसके बाद में पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण क्रमशः दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है, अर्थात घूर्णन के कारण दिन और रात, परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन। बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको इस चैप्टर से हमें पढ़ के याद करना था। अभी इसके ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है, तो परिक्रमण कहलाती है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, तो 21 मार्च को पड़ती हैं।
गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, परीक्षाओं में भी पूछा गया, परिक्रमण गति के कारण होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो सामान्यतः 365 होते हैं, उसमें कितने दिन हो जाते हैं, तो उसमें हो जाते हैं 366 दिन हो जाते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, तो दैनिक गति कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो 21 जून की बात हो रही है तो किस पर पड़ेंगी, तो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो शीत ऋतु में क्या होता है, दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ये था ये चैप्टर क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच।